प्रयागराज के चिल्ड्रेन अस्पताल में रविवार की देर रात आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बच्चों को लेकर भर्ती मरीज परेशान हो गए। माता पिता अपने बच्चों को गोद में लेकर सुरक्षित स्थानों पर भागने लगे। घटना देर रात की है। चिल्ड्रेन हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 4 के PICU में वॉल माउंटेन वेंटिलेटर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इससे अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर उपकरणों से आग पर तुरंत काबू पा लिया गया। सूचना मिलते ही अस्पताल के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। आग लगने के कारण वार्ड धुआं से भर गया था। चिल्ड्रेन ICU में कुल 10 बच्चे भर्ती थे, जो अलग अलग बीमारियों से वजह से वार्ड में भर्ती थे। स्विच में स्पार्क करने के कारण पूरा ICU धुएं से भर गया। आग की सूचना पर परिजन अपने बच्चों को लेकर भागने लगे। अस्पताल प्रशासन की ओर से सभी 10 बच्चों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। आग को स्थानीय उपकरणों से ही बुझा लिया गया। घटना को लेकर हॉस्पिटल में अफरा तफरी मची रही। शॉर्ट सर्किट और स्पार्क के स्थानों का निरीक्षण किया गया। डैमेज वाले स्थानों को दुरुस्त किया गया। कल रात के 12:30 बजे के आसपास वॉल माउंटेड इलेक्ट्रिक बोर्ड में स्पार्किंग हुई। उस स्पार्किंग का पता चलते ही लाइट को बंद करा दिया गया और 4 नंबर वार्ड को पूरी तरह से खाली करा दिया गया और इलेक्ट्रीशियन को बुला के वो सही कराया है। उस वाले बोर्ड की लाइट काट के अब वहाँ पुनः बच्चों को शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। क्या वजह थी शॉर्ट सर्किट की? शॉर्ट सर्किट का तो कारण अभी तक पता नहीं चला है। कोई भी वायरिंग में दिक्कत हो सकती है, उसको दिखवा रहे हैं, वो जांच कर रहे हैं। तो किसी बच्चे को कोई हताहत तो नहीं हुई? किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुई और उसको समय से सारे बच्चों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था और उधर की लाइट बंद कर दी गई थी शॉर्ट सर्किट को।